वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जय देव भूमि उत्तराखंड। और दोस्तों, आज बज गए हैं सुबह के 9 और मैं उठ गया हूँ। वैसे तो जनरली मैं उठ जाता हूँ 8 बजे, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट हो गया मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कब से आवाज लगा रहे हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि भैया ये छपरी जैसे बाल ना कटवा लो, बहुत दिन से पीछे पड़े हैं मेरे। तो सोच रहा हूँ आज जाके इन बालों को कटवा लूँ और देखते हैं आज के व्लॉग में और आगे आगे क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या होने वाला है। एक लेंस कार्ट वाले को भी मैंने बुलाया है। आपको तो पता है वैष्णो देवी जब मैं गया था और आ रहा था तो मेरा जो चश्मा है वो ट्रेन में छूट गया था। और भैया जब से एक पुराना जो एक्स्ट्रा चश्मा पड़ा है ना उससे काम चला रहा हूँ, और उससे थोड़ा सा ये है कि उसकी पावर थोड़ी कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब लेंस कार्ट वालों से आज एक नया चश्मा ले लूँ, लेकिन चश्मा देखता हूँ सस्ता ही लूंगा, ज़्यादा महंगा तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझसे खो जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं क्या क्या रहेगा। और आज दिवाली के बाद देश का जो सबसे बड़ा पर्व होता है, त्यौहार होता है, वो छठ होता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी गली में भी कुछ अंटियां हैं, वो मना रही हैं छठ पूजा। तो भाई आज शाम को जब भी जो सूरज डूबेगा उस टाइम पे हम जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे और वो सूर्य देव की पूजा करेंगे पानी में खड़े होके। तो भाई हम वहाँ जाएंगे, हम भी उनसे बात बूत करेंगे, देखते हैं उसके बाद और आपको दिखाएंगे छठ पूजा किस तरह से मना रहे हैं। तो भाई फाइनली हमारे लेंस कार्ट वाले भैया आ गए हैं यहाँ और ये हमें अभी फ्रेम्स दिखाने वाले हैं, उसके बाद लेंस भी दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन सा फ्रेम और कौन सा लेंस हमें अच्छा मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। देखो बहुत से हमने चश्मे यहाँ ट्राई कर दिए हैं, देखो मल्टीपल यहाँ पे और यहाँ पे, और ये अभी भी ट्राई कर रहा है। और भैया हमारा तो मन उसी पे जा रहा है, जॉन एंड जैकब पे, बाकी तो चश्मे में पसंद ही नहीं आ रहे। और भाई वो पड़ रहा हमें भैया की तरफ से पड़ रहा 6700-6800 का बता रहे हैं, उसमें 2 मिल जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं वो ही ले लें, है ना। इन सबको देख के तो कोई मज़ा नहीं आ रहा इन सब में, यहाँ फेंके आते कम से कम 8-10 डब्बे खोल खोल के इन्होंने हमें दिखा दिए। और भाई मन उसी पे जा रहा है जो हमारा पुराना वाला था, उससे अच्छा किसी पे जा ही नहीं रहा। ये जीवन देखो कौन सा लेता है, ये भी शायद उसी का ही ले लेगा, जॉन एंड जैकब का। भाई भी ब्रांडेड बन रहा है, पैसे इसी से लेंगे हम आधे। फाइनली गाइस हमने ले लिया है दोबारा से जॉन एंड जैकब का ये वाला चश्मा, मैंने अपने लिए ले लिया। और एक दूसरा जो लिया है वो लिया है भाई ये जीवन का है, ये भी जॉन एंड जैकब का है। और ये भैया हमारे, थैंक यू सो मच भैया, इन्होंने बहुत अच्छा हमें फ्रेम दिखाया और बहुत आराम से, मतलब कुछ होते ना सेल्स में कहते हैं जल्दी 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 जल्दी, तो इन्होंने कोई जल्दी नहीं मचाई इसमें। आराम से भैया एक एक फ्रेम दिखाए, एक एक चश्मा दिखा के सारे डब्बे जितने बॉक्स में थे सारे खोल डाले हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो भाई अतुल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। भाई मैं नहा चुका हूँ, 4 बज गए हैं शाम के, और मैंने सोचा था बाल कटवाने जाऊँगा लेकिन क्या करूँ यार, लेंस कार्ट वाला आ गया था 12 बजे, उसके बाद फिर उसने दिखाए फ्रेम वगैरह लेंस वगैरह, तो उसको देखने में ही 1:30 बज गए। और उसके बाद फिर हमने लंच कर लिया, लंच का टाइम हो गया था तो लंच कर लिया। और लंच करने के बाद बस फिर मैंने कहा यार उसे फ़ोन करता हूँ, और पहला फ़ोन तो मैंने सुबह करा था उसे 10-11 बजे जो सलून वाले को कि हेयर कट के लिए मैं आ जाऊँ, उसने कहा भाई भीड़ है थोड़ा बाद में आना। तो फिर मैंने 2 बजे दोबारा फ़ोन किया तो उसने कहा भाई अभी भी भीड़ है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा यार छोड़ो इतना टाइम वहाँ लग जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को जो घाट है छठ पूजा का वो नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया हेयर कटिंग को अभी के लिए, वो फिर 2-4 दिन बाद देखता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं घाट में जा रहा हूँ, तो नहा धो लिया है मैंने, कपड़े भी पहन लिए, तो चलते हैं घाट पे। तो भैया हम पहुँच गए हैं घाट पे, जहाँ पे यहाँ पे सब लोग अपने अपने स्थान पर अपनी पूजा कर रहे हैं, अपना सारा सामान ला के पूजा का। ये देखो इतनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग आ रखे हैं सज धज के, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ अपना पर्व मना रहे हैं। और ये देखो ये आंटियाँ हमारी अगल बगल की, और ये गढ़वाली आंटियाँ ये भी आ रखे हैं यहाँ। हमारी गली की 2-3 आंटियाँ हैं, जिनमें से पहली आंटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी आंटियाँ आ रखी हैं देखने के लिए, बोल रही हैं मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं भी व्लॉग में आऊँगी। मम्मी तो भैया ये है हमारी दूसरी आंटी मुखियान आंटी, ये भी सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं।
नेताजी जिनके खेत में ये छठ पूजा मनाई जा रही है। तो अब हो गई है घर के लिए वापसी, क्योंकि सूर्य देवता डूब चुके हैं। इसके बाद आप कल सुबह दोबारा से आएंगे सूर्य उदय होने से पहले। तो आंटी के घर पे चल के आंटी से बातचीत करते हैं। हम आ गए आंटी जी के घर पे आंटी जी से बातें करने के लिए छठ पूजा के बारे में। हाँ तो आंटी जी बताइए, अब दिवाली के जब बाद से छठ स्टार्ट होती है। दिवाली के छठा दिन शुरू होता है। अच्छा, पहला दिन नहान खान होता है। अच्छा, उसमें घी में ही घिया की सब्जी, चने के दाल और चावल बनता है, शुद्ध खाना बनता है। अच्छा, पहले दिन। पहले दिन। अच्छा अच्छा। और दूसरा दिन वही खाना खा के फिर दूसरा दिन हम उपवास रखते हैं। अच्छा, दूसरे दिन पूरे दिन ऐसे उपवास रहेंगे, पानी वानी कुछ नहीं पीना है। हाँ, निर्जल उपवास रहेंगे, फिर शाम को गुड़ के खीर बना के हम पूजा करके फिर उसको खाते हैं। अच्छा हाँ, फिर वही खा के भगवान को गोड़ लाके फिर हम पूरे निर्जला व्रत 24 घंटा के रखते हैं। तो मतलब वो दो दिन हो गए, फिर तीसरे तीन दिन होता तीन, है। तीन। तीसरा दिन आज है मेरा। अच्छा, तीसरा दिन आज है। तो फिर चौथा दिन बस खत्म समाप्त होता है। तो छठ मतलब छह दिन का नहीं होता क्या? नहीं नहीं, तीन ही दिन का होता है। अच्छा, दिन से शुरू होता है दिवाली का छठ। अच्छा, दिवाली का, मेरे को लगा दिवाली के बाद छह दिन होते हैं। तीन दिन का व्रत होता है, उसका नाम छठ है लेकिन छह दिन का नहीं है। अच्छा अच्छा, छठ ये होता है ना कि अंजोरा जो पक होता है उसमें छह दिन जाता है तो ये छठ होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये जो मतलब किस लिए मनाते हैं, इसका मतलब क्या? सूरज भगवान के है, अपने सुख शांति के लिए मनाते हैं। मैंने सुना है ये मतलब खासकर लोग वो पुत्र प्राप्ति के लिए मनाते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए मनाते हैं, हर तरह के मन्नत होता है, जिसका नाभि औलाद होते हैं उसके लिए भी मानते हैं, करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और वैसे भी मतलब कर सकते हैं लोग शरीर में, उसके लिए भी व्रत रखते हैं भगवान। अच्छा, अच्छा। अभी आप मतलब आज आपका तीसरा दिन है। तीसरा दिन है तो आप उपवास में हैं। कल आप सुबह जाएंगे। हाँ। और सूर्य उदय से पहले, सूरज उदय से पहले मैं घाट पे पहुंचूंगी। अच्छा, हाँ। वहाँ सारा तैयारी करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। अच्छा, धूप दीप जला के जब वो निकलेंगे तब हमारा जल होगा, फिर हवन वन होगा। अच्छा, उसके बाद आपका उपवास खुल जाएगा। उपवास हमारा खुलेगा। अच्छा, खुल जाएगा। हवन कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा। अच्छा अच्छा, तो यही है मतलब। हाँ, इस ये हमारे की बहुत मतलब भारी है उत्सव देश का। हाँ, ये अभी काफी प्रचलित त्योहार हो गया। ये सबसे ज्यादा हाँ, है काफी ज्यादा मतलब हर कुछ व्यवस्था बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और बहुत किसी को व्रत करने को मतलब है नहीं सकती, लेकिन भगवान की महिमा है कि हम तीन दिन इनका रख लेते। ये तो है, सही बात है। नहीं तो एक दिन करवा चौथ लोग करते हैं, 24 घंटा रहते उतने में वो हो जाते हैं। हम तो कल से ही निर्जले रह रहे हैं। और इसमें क्या ये बनाते हैं, ठेकुआ वगैरह? इसमें ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ और क्या बनाते हैं? ये चावल का लड्डू है, कछवनिया बोलते हैं। अच्छा, ये चावल का लड्डू। इसमें सारे फ्रूट होता है। सारे फ्रूट। हाँ, सारे फ्रूट होता है। अच्छा, तो यही टोकरी ले गए थे आप? हाँ, ये टोकरी ले गई थी, मैं इसको चेंज कर दी हूँ। अच्छा, अब ये टोकरी हम सजा रखे हैं। अच्छा, कल सुबह के लिए? हाँ, कल सुबह के लिए। इसमें माला, नारियल, हाँ, सब सारा, कुछ है। ये सारे फ्रूट। अच्छा, अच्छा। के लिए सब रखा है। अच्छा, सब जाएगा चढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें छठ मैया छठ पूजा का बारे में बताया। ठीक है, अभी भी अच्छे से रहो, सबका हाल है। छठ मैया अब बाल बच्चे के लिए हम लोग करते हैं, ये नहीं है। कि हमारे ही बच्चे अच्छे रहे, पड़ोस के सभी खुश रहे। जी जी जी, तो जय छठ मैया की जय। और गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5 और हम लोग तैयार हो चुके हैं नहा धो के। अब हम जाएंगे घाट पर और आपको घाट पे दर्शन कराएंगे। सूर्य उदय होने से पहले घाट पे जाना होता है और सूर्य उदय के समय सूरज को जल चढ़ाना होता है। और बाकी हम कल भी गए थे, कल आपको दिखा दिया था मैंने घाट और घाट के दर्शन करा दिए थे। और आंटी जी से भी बातचीत करी थी कि किस तरह से मनाया जाता है छठ, क्यों मनाया जाता है। और उसके बाद आज सुबह है और आज छठ खत्म हो जाएगा। आज घाट पे जाके लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, हवन होगा और उसके बाद उनका जो छठ है वो समाप्त हो जाएगा। तो भाई आपको ले चलते हैं घाट के दर्शन कराने के लिए।
अच्छा चेहरा तो दिखाओ भाभी। हाँ चले अंकल जी, अब हो गया ना समापन? ठीक है, अब क्या करेंगे घर पे जाके? प्रसादी बांटेंगे और अपना फास्ट वगैरह खोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो भाई हो गया छठ का समापन, तो ये लो सब तैयार है घर जाने के लिए। आप लोगों को छठ की बहुत बहुत मुबारक हो, छठ पूजा मुबारक हो, जो है छठ मैया। छठ मैया की जय।